वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि पत्नी का पति और सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है। पत्नी पति और सास ससुर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। कानून क्या कहता है, रियल में एक्चुअल क्या है, कानून में क्या लिखा हुआ है, यह हर किसी को पता नहीं होता है। इसलिए वो बहुत पछताते हैं, फंस जाते हैं। उनको संपत्ति में हिस्सा देना पड़ जाता है, मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। और यहाँ पे कानून के हिसाब से कानून क्या कहता है, हिस्सा बनता है या फिर नहीं बनता है, मेंटेनेंस वो ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर मेरे पास में ये सवाल आते हैं, कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर, हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस कर रखी है, यानी कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, यहाँ पे उसकी गलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बिना वजह छोड़ के गई है, अब वो मेरे ऊपर केस भी कर रखी है, मेंटेनेंस वगैरह का, डीवी वगैरह का, अब वो मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना चाहती है, वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसका ये कहना है, उसकी तरफ से ये कॉल आ रहा है, उसके पेरेंट्स ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा लेके रहेंगे, आपकी जो सैलरी है उसमें से आधी सैलरी हम लेके रहेंगे। ये बार बार वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ। यहाँ पे वो मेरे साथ में भी नहीं रह रही है, एक पत्नी का जो कर्तव्य है उसका वो पालन भी नहीं कर रही है, और वो मज़े से वहाँ पे रह रही है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रही है कि मैं प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी लूँगी, बैठी बैठी खाऊंगी और मेंटेनेंस भी लूँगी, ऐसी बातें वो बोल रही है, और आधी प्रॉपर्टी और आधी मेंटेनेंस लेने की बात वो बार बार बोलती रहती है। बार बार वो लोग धमकी दे रहे हैं और मेरे ऊपर डीवी का, मेंटेनेंस का और 498A वगैरह का केस भी कर चुके हैं। तो सर, हमें एक्चुअल में बताइए कि क्या प्रॉपर्टी में उसका आधा हिस्सा बनता है, क्या वो सैलरी में से आधी ले सकती है, यानी कि मेंटेनेंस के रूम में क्या वो आधी सैलरी ले सकती है, ये हमें अवगत करवाइए। तो यहाँ पे आज एक एडवोकेट होने के नाते, एक लोका जानकार होने के नाते मैं आपको अवगत करा देता हूँ, कानून में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी का पति की संपत्ति में आधा हिस्सा होगा या फिर आधी पति की सैलरी वो ले सकती है, ऐसा कुछ भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ एक स्टेट ने कानून जरूर बनाया है कि पत्नी का पति की संपत्ति में अधिकार होगा, वो आपको पता है उस स्टेट के बारे में। यहाँ पे सभी स्टेटों में ये कानून लागू नहीं है, नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन वगैरह दी है, और यहाँ पे ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि पत्नी का पति की संपत्ति में आधा हिस्सा होगा या फिर आधी पति की सैलरी वो ले सकती है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है, सिर्फ एक स्टेट ने लागू किया है जो आपको पता है। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी मेंटेनेंस कब लेती है, मेंटेनेंस वो कब ले सकती है। जैसे अगर कोई म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है, दोनों की सहमति से अगर म्यूचुअल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी सहमति बनती है कि आप पत्नी को इतना रुपए दोगे, या फिर पत्नी वहाँ पे डिमांड करती है कि मेरे को आप इतने रुपए दे दो, हम म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, तो वहाँ पे पति पत्नी को म्यूचुअल डाइवोर्स के जरिए से वो उसको एक परमानेंट एलिमनी देता है, वहाँ पे मेंटेनेंस बनता है। अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स आप पत्नी की गलती के आधार पे अप्लाई करोगे, यानी कि उसने ये गलती की है इसलिए मुझे ये डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी गलती के आधार से अगर आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल रहा है, तो वहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनता है। केवल म्यूचुअल डाइवोर्स में आपकी जो भी सहमति होती है उसके अकॉर्डिंग आप परमानेंट एलिमनी देते हो, और यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स में मेंटेनेंस नहीं बनता है। अगर पत्नी अलग से कोई मेंटेनेंस का केस करके रखती है, जैसे 125 CRPC या फिर डी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है कि पति पत्नी को इतना मेंटेनेंस दे, तब पति पत्नी को उतना मेंटेनेंस देगा, अदरवाइज कंटेस्टेड में तो ऐसा कोई मेंटेनेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है मेंटेनेंस, और जितना लागू किया जाता है उतना ही देना पड़ता है, यहाँ पे आधी सैलरी का या फिर आधी इनकम का कोई भी मेंटेनेंस
पत्नी को नहीं दिलवाया जाता है, वो तो सिचुएशन देखी जाती है, पूरी परिस्थिति देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही पत्नी को उतना मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। आधी सैलरी वैलरी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये आपके स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में से तो पत्नी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनता है, पति की प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनता है। पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में से हिस्सा कब बनता है? अगर कोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि पति पत्नी को इतना मेंटेनेंस देगा, अब कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, बार बार बचता है, पत्नी वापस कोर्ट में जाती है, वहाँ से वारंट इश्यू करवाती है, कोर्ट के पास में पति को पेश होने के लिए बोला जाता है, फिर पकड़ के उसको लेके जाया जाता है, उसको जेल वगैरह हो जाती है, और वहाँ पे फिर भी पति नहीं देता है मेंटेनेंस, जेल से आने के बाद में भी बार बार बचता है। और यहाँ पे पति की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में से पत्नी को वो हिस्सा दिलवाया जा सकता है कि आप अपना भरण पोषण जो ये प्रॉपर्टी है इसके रूम में कर सकते हो, यानी कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम वगैरह होगी उसके रूम में आप अपना भरण पोषण कर सकते हो। तो उस कंडीशन में पति की प्रॉपर्टी में से पत्नी को हिस्सा दिलवाया जा सकता है, वो भी भरण पोषण के रूप में। यहाँ पे डायरेक्टली किसी पत्नी का पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता है। अभी यहाँ पे ये बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति की डेथ हो जाती है और पति वहाँ पे कोई विल वगैरह नहीं छोड़ के जाता है, तो उस कंडीशन में जो पति की प्रॉपर्टी होती है उसमें से इस तरीके से डिवाइडेशन होता है कि उस प्रॉपर्टी में से पत्नी का भी हिस्सा होगा, बच्चों का भी हिस्सा होगा, और उनके जो पेरेंट्स हैं पति के उनका भी हिस्सा होगा, तो बराबर का हिस्सा उनमें डिवाइडेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से हिस्सा होगा अगर पति कोई विल वगैरह नहीं छोड़ के जाता है। अगर वो विल तैयार करके जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी मृत्यु के बाद में उसको मिलनी चाहिए, तो उस पर्सन को ही मिलेगी जिसके नाम से विल तैयार करके वो जाता है, छोड़ के जाता है। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति और पत्नी की संयुक्त प्रॉपर्टी है, संयुक्त प्रॉपर्टी है कंबाइंड के अंदर अगर खरीदी गई है, दोनों के अगर बराबर के पैसे लगे हैं, तो उस सिचुएशन में दोनों का 50-50 होगा, आधा आधा हिस्सा होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर पति ने कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीदी है, बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से ही होगी। अब पति वहाँ पे बोलता है कि मेरे पैसे इस प्रॉपर्टी के अंदर लगे हैं, केवल मैंने ये प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीदी है, जबकि पैसे तो मेरे इसमें लगे हैं। अगर वो हिस्सा लेना चाहता है या फिर वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसको सिविल केस फाइल करना होगा। यहाँ पे अगर वो उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वाइफ के नाम से, तो प्रॉपर्टी उसकी होगी। अगर यहाँ पे कुछ एविडेंस पति के पास में है, जो उसने पैसे वगैरह उस प्रॉपर्टी के चुकाए हैं खरीदते टाइम जिस तरीके से उसने दिए हैं, उसके कुछ एविडेंस अगर पति के पास में है, तो उन एविडेंस के आधार पे वो सिविल केस फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं लास्ट बात ये और क्लियर कर देता हूँ कि सास ससुर की संपत्ति में बहू का क्या राइट होता है। यहाँ पे आपने एक जजमेंट देखा होगा या फिर आपने सुना होगा, पिछले टाइम एक जजमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग एक अफवाह फैली थी कि पत्नी का या फिर बहू का जो सास ससुर की संपत्ति है उसमें अधिकार होगा, पर यहाँ पे उस जजमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। सास ससुर की संपत्ति में किसी बहू का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे उस जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि उस बहू का जहाँ पे वो शादी करके आई है, जिस घर में आई है, चाहे वो घर सास ससुर के नाम से हो या फिर उसके पति के नाम से हो, उस घर में वो रहने का राइट रखती है, उसको रहने का राइट दिया जाएगा डीवी एक्ट के अनुसार, यानी कि डीवी एक्ट में ये बातें कही गई थी। वो केवल रहने का राइट ले सकती है, उस प्रॉपर्टी को रहते हुए बेच नहीं सकती है, उसे केवल रहने का राइट मिलेगा, संपत्ति में उसका ऐसा कोई अधिकार नहीं है, केवल उसका रहने का अधिकार होगा। अगर सास ससुर या पति बिना किसी विल के अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो संपत्ति उस पत्नी के नाम से हो जाएगी। आगे पीछे अगर कोई नहीं है, वो पत्नी है यानी कि वो बहू है, तो उसके नाम से वो संपत्ति हो जाएगी। तो ये बात पूरी आपके समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।